देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। रुड़की सिविल लाइन अस्पताल में ब्लड बैंक में चल रही रक्त के भारी कमी को देखते हुए रक्तदान शिविर लगाया गया। रुड़की बीजेपी विधायक पत्रा ने गत दिनों ब्लड बैंक सहित अस्पताल का औचक निरीक्षण किया था, जिसमें ब्लड बैंक में रक्त की कमी पाई गई थी, जिसको देखते हुए बीजेपी विधायक प्रदीप बत्रा ने रक्त की कमी को दूर करने के लिए रक्तदान शिविर लगाया, जिसमें विधायक प्रदीप बत्रा सहित भारी संख्या में लोगों ने रक्तदान शिविर में बढ़ चढ़कर भाग लिया, जिसमें शिविर अस्पताल से आई चिकित्सकों की टीम ने पूर्ण सहयोग दिया। क्राइम स्टोरी के लिए उत्तराखंड के रुड़की से अली जैदी की रिपोर्ट। किया गया था उस दौरान मैंने पाया कि काफी पेशेंट हैं जहां वो ब्लड के लिए लेने के लिए वहां पर खड़े थे और ब्लड की सिविल हॉस्पिटल में जो है कमी थी, इसको देखते हुए हमने अपने कैंप कार्यालय में आज ये ब्लड डोनेशन कैंप लगाया और जनता का उत्साह यहाँ देखने को मिल रहा है। और सुबह से मैं समझता हूँ कि 100 लोग लगभग ब्लड दे चुके हैं और उम्मीद है कि 100 लोग और लगभग ब्लड देंगे। 200 यूनिट ब्लड आज हमारा यहाँ पर इकट्ठा करने का लक्ष्य है। तो आदमी जो संकल्प कर लेता है उसे सिद्ध करके दिखाता है, तो इच्छा शक्ति होनी चाहिए। काम के लिए सभी लोग आगे आते हैं और अच्छे काम के लिए तो मैं समझता हूँ कि सभी लोग कदम से कदम बढ़ाकर और आगे बढ़ते हैं। तो हमने संकल्प लिया कि यहाँ पर 200 यूनिट ब्लड इकट्ठा करके मरीजों को इसके उपचार के लिए हम लोग सिविल हॉस्पिटल में उपलब्ध कराएंगे और आज इस लक्ष्य को हम लोग पूरा करेंगे। आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी।